मैं डॉक्टर वीरेंद्र मडान गुरु आयुर्वेद से। आज नींबू के फ़ायदे क्या हैं, आप नींबू खाएं या ना खाएं, कितना खाएं, क्या फ़ायदे हैं इसके, वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो देखने से पहले आप अगर आपने सब्सक्राइब मेरा चैनल नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नींबू विटामिन से भरपूर है, इसके खाने से बहुत लाभ मिलते हैं। नींबू में बहुत गुण हैं, सदा रखिए घर, आप घर पर रखोगे तो प्रयोग करोगे तो लाभ मिलेगा। इसमें विटामिन सी है और जो शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति देती है और शरीर के अंदर ताकत मिलने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, डाइजेशन ठीक रहता है। नींबू के प्रयोग करने से बड़े लाभ हैं, हम आगे बताते हैं। इसके अंदर घुलनशील फाइबर्स हैं। इसके फायदे क्या हैं कि आप वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। पानी को उबाल करके ठंडा कर लें, फिर उसमें आप नींबू निचोड़ कर लें, या सवेरे आजकल जैसे ठंड पड़ रही है, सबसे पहला पानी लें उबला हुआ चाय की तरह, और उसमें आप नींबू और सेंधा नमक डाल करके पी सकते हैं। इससे आपका वजन कंट्रोल में रहेगा और आपके अंदर अगर कोई अंदर रोग चल रहा है, हार्ट डिजीज़ का, एनीमिया या किडनी में ब्लॉकेज हो रही है, सफाई नहीं है, पाचन क्रिया को अगर आपकी ख़राब है, तो आप नींबू पानी ज़रूर लें सवेरे। इससे फैटी लीवर में लाभ मिलता है, इसको सवेरे और लेंगे, और शाम को 4 बजे चाय के टाइम पे आप नींबू पानी लें, उसमें नमक डाल लें और उसको गरम गरम चाय की तरह पिएं, तो काफ़ी लाभ मिलेंगे आपको लीवर के लिए, हार्ट के लिए और किडनी के लिए। नींबू नेचुरल क्लिनिजिंग अक्षमता रखता है, यानी कि नींबू के अंदर सफाई करने के गुण हैं प्राकृतिक रूप से। यह लीवर को, किडनी को, हार्ट को, आपकी आर्टरीज को, वेन्स को साफ करने का काम करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, और साइट्रिक एसिड साइट्रस अधिक होने से कैल्शियम के कण आपके शरीर के अंदर नहीं जमते, इसलिए आप पथरी वगैरह से भी बच सकते हैं, क्लोटिंग से भी बच सकते हैं। विटामिन सी, नींबू का विटामिन सी लेने से आपकी स्किन ठीक रहेगी, स्वस्थ रहेगी, आप सुंदर रहेंगे। अगर आपका गला ख़राब है तो गर्म पानी में नींबू और नमक डाल करके गरारे करने से आपका गला भी ठीक हो जाएगा। बहुत फायदे हैं इसके, आप घर में नींबू रखें, नींबू का प्रयोग करें और अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चटपटी चीज़ें जीभ के अधीन ज़िंदगी ना काटें। आप खाने से पहले या कुछ कर्म करने से पहले आप ये ज़रूर सोच लें कि ये मेरे फ़ायदे की है या नुकसान की। अगर नुकसान आपको पता है, फिर भी आप जो स्वाद की वजह से, आपकी जीभ की वजह से आप अपने आहार को या व्यवहार को बिगाड़ते हैं, तो ये तो आपकी गलती है, फिर तो आपको कुछ ना कुछ भुगतना ही पड़ेगा। नमस्कार, टेक केयर, जय आयुर्वेद, जय भारत।